भक्ति हो या मस्ती, इंदौरी किसी भी मामले में पीछे नहीं रहते। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इंदौर वासियों में भी जबरदस्त उत्साह है और यहाँ के टैटू वाले ने तो लोगों में राम भक्ति को लेकर एक अलग ही अलग जगह रखी है। आखिर क्या है ये टैटू से राम भक्ति का कनेक्शन, आइए स्टोरी में दिखाता हूँ हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता की ये स्पेशल कवरेज। फिलहाल एक टैटू सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। युवा राम से जुड़ रहे हैं और टैटू का क्रेज नजर भी आ रहा है, राम नाम की धूम है। और तस्वीर देखिए आप, राम भगवान और ठीक राम भगवान के साथ में पूरी अयोध्या धाम, और अयोध्या धाम बनके लगभग तैयार है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम आ रहे हैं, 500 सालों का ये लंबा संघर्ष है और युवा जो है भगवान राम से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राम नाम के टैटू को लेकर काफी क्रेज नजर आ रहा है, जो यहाँ के शॉपकीपर है उनसे बात भी करेंगे। भाई साहब कितना क्रेज नजर आ रहा है भगवान श्री राम को लेकर? सर आप ही मान के चले कि जब से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की घोषणा हुई है तब मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं 1008 लोगों को फ्री में जय श्री राम नाम के टैटू बना करके दूंगा। आप ये माने कि इतना उत्साह है युवाओं में, 6,500 से ज्यादा लोगों की बुकिंग हो चुकी है, देन अभी बुकिंग चालू है। तो मेरा यह कॉन्सेप्ट है कि मैं हर महीने की उस डेट के साथ लोगों को टैटू बनाते जाऊंगा, जितना हो सके मेरे आर्ट के माध्यम से श्री राम जी से लोगों को जोड़ते जाऊंगा। अब ऐसा है एक्चुअल कि हर आदमी पूरे विश्व भर में कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट कर रहा है श्री राम जी को लेकर। मेरे पास अपना आर्ट है प्रभु का दिया हुआ, मैं अपने आर्ट के माध्यम से भगवान को कुछ ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं राम नाम के 1008 मोती दान करना चाह रहा हूँ और उसी संकल्प लेके मैं टैटू बना रहा हूँ। अभी हमने एक अयोध्या जी का टैटू बनाया है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट था कि अयोध्या के साथ में वॉरियर के रूप में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम को दिखाया है, ताकि धर्म रक्षति रक्षते वाला संकल्प हमारे साथ यहाँ दिखना चाहिए। और हम इसको लेके 3 टैटू बना चुके हैं अलग अलग थीम पे, सभी में अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति जो है वो देख ही रहे हैं आप, मैं बना ही रहा हूँ उसमें। जी सर, कितने घंटे इस वक्त आप लगातार काम कर रहे हैं और आपने कहा 1008 टैटू बनाएंगे तो लंबा वक्त भी लगेगा, किस तारीख को बनाने वाले हैं? और अगर एक टैटू बनाने में अगर कोई इतना बड़ा टैटू बनवाता है तो इसकी कीमत भी क्या ले रहे हैं आप लोग, क्या चार्जेस हैं, या इसके वैकल्पिक भी, हर किसी को तो बड़ा टैटू नहीं बना पाएंगे, और तो क्या और किस तरीके से आपने प्लानिंग की? सर एक्चुअल क्या है कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के एक संकल्प जो लिया था 1008 टैटू का, वो मैंने 3 दिन का लक्ष्य रखा है। पहले तो 20 और 21 तारीख को ही बनाने वाला था, बट जिस तरह से उत्साह है लोगों में तो मुझे 19 तारीख से वो चालू करना होगा, क्योंकि इतनी सारा रश एक साथ आएगा, तो 19 तारीख से वो टैटू में चालू करने वाला हूँ। और बड़े टैटू के लिए हमने 50% ऑफ रखा है, भगवान रामायण से मतलब राम से या रामायण जी से जुड़ी कोई भी थीम लेके आता है तो 50% ऑफ में मैं टैटू बना रहा हूँ। इस टैटू को जो आप देख रहे हैं हमने 2 स्टेप में बनाया है। पहला जो स्टेप था हमने 6 घंटे का कल नाइट में क्लियर किया था, अभी सुबह हम 11:30 बजे से काम कर रहे हैं, अब जाके हम इसके फाइनल टच तक आ पहुँचे हैं। और दूसरे जो -18 अगर हमारे स्टूडियो पर विजिट करते हैं या जिनके पास समय की कमी है, वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं रश के कारण, उन लोगों के लिए भी मैंने एक व्यवस्था की हुई है कि मैंने इस टाइप का नॉर्मल स्टैम्पेड बनवाया हुआ है जो हम टेम्परेरी टैटू उन लोगों को बना करके देंगे। जैसे अभी आपका विजिट हुआ हमारे स्टूडियो पर, तब आपको तो बिना राम के हम जाने नहीं देंगे, तो इस टाइप से हम इस जय श्री राम लिख करके सभी का स्वागत कर रहे हैं। ताकि सभी के अपने अपने ये टेम्परेरी है, मतलब 22 तारीख के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन है तो हर किसी के हाथ में राम नजर आएंगे, राम में होना चाहिए, सबके अपने अपने राम होना चाहिए, बिल्कुल अपने अपने राम होना चाहिए, राम का नाम होना चाहिए और राम के नाम से पूरी दुनिया जुड़ रही है, क्योंकि राम का तो अगर संदेश देखा जाए तो वो यही है कि राम पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे, इसलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, कहा जाता है सर, सही बात है सर, यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने टैटू बनाया है। स्टिकर वगैरह भी नजर आ रहे हैं, ये इसका क्या सर? ये स्टिकर हमने बनाया है, जैसे जो लोग मैंने विजिट करने वाले हैं 1008 लोगों के बीच में, उन लोगों के लिए मैंने डिजाइन बना के रखे हुए, इनके स्टिकर भी मैंने रेडी कर लिए हैं। जो व्यक्ति सिया राम लिखवाना चाहेगा उसके लिए सिया राम है, जय श्री राम के लिए लिखवाना चाहें, कुछ लोग सिर्फ राम लिखवाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने सभी के स्टिकर रेडी करके रखे हुए हैं, और जो लोग परमानेंट नहीं बनवा सकते उनके लिए मैंने टेम्परेरी तैयारी करके रखी हुई है। अच्छा, हमने किसी के हाथ में देखा भी था अभी यहाँ पे थे, उन्हें उनके हाथ में हमने देखा भी था कि स्टिकर आप लगा रहे थे। अच्छा, ये तो एक ये टेम्परेरी है, दूसरा इस टाइप से परमानेंट है सर? अच्छा, ये परमानेंट है जो मैं बना करके देने वाला हूँ। 1008 का जो डिजाइन है ये उसी का एक डिजाइन है। अच्छा, ये 1008 आप बनाने वाले? जी सर, इसका राम लिखा, एक का कॉस्ट 800 रुपए आता है, बट ये मेरी तरफ से भगवान श्री राम को ट्रिब्यूट है और मैं चाहता हूँ सबसे ज्यादा लोग जुड़े श्री राम जी से, तो इसलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। जय श्री राम, ये देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, कितना वक्त लगा और जय श्री राम आप लिखवाए, क्या है इसके पीछे मतलब? जय श्री राम लिखाना है, हमारे राम जी का आगमन हो रहा है अयोध्या में, तो उसकी खुशी में हमने ये टैटू बनाया है। आस्था है आपकी? बिल्कुल आस्था जी। अच्छा, दर्द भी हो रहा होगा
लेकिन हर दर्द सहने के लिए तैयार है प्रभु श्री राम के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कितना वक्त लगा इसके बनवाने में? इसे एक घंटा लगा है। एक घंटा जी। लेकिन चलेगा क्योंकि श्री राम से जुड़ना है। और चलिए, खुशी इस चीज की, दर्द से कहीं ज्यादा लोगों की खुशी इस चीज की, सर अभी एक घंटे से काम करवा रहे हैं उन सर के, दो स्टेप में 12 घंटे से ज्यादा समय ले चुका हूँ, इस टाइप के मैं 3 टैटू और बना चुका हूँ। जब आप 1008 बनाने वाले होंगे तो शायद आपने 3 दिन कहा तो शायद 72 घंटे में आपको 60-65 घंटे काम करने होंगे लगातार। बिल्कुल सर, करना पड़ेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। सभी अपने अपने तरह से अपने भगवान की तपस्या कर रहे हैं, मैं अपनी कला के माध्यम से उनकी एक तपस्या करना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा समय में दे पाऊंगा श्री राम लिखने के लिए उतना ज्यादा समय में दूंगा सर, और मेरा प्रयास तो रहेगा कि निरंतर ही मैं लिखता रहूँ। और ये ताकत ऊर्जा सब कुछ प्रभु श्री राम से मिल रही है? उनके सब प्रभु श्री राम की कृपा है सर। राम की कृपा है। और कितने घंटे हो गए भाई साहब? सर मुझे 14 घंटे तकरीबन हो चुके हैं स्टूडियो में। स्टूडियो दो स्टेप में हमने जो राम भगवान और श्री अयोध्या जी का मंदिर की प्रकृति की करी है, उसे 14 घंटे हो चुके तकरीबन। कहाँ से मन में आया? प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम जी। आपके दोस्त यार और भी जो होंगे युवा साथी, सब 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 यही नजर आ रहा है? बिल्कुल, सब राम है। सब राम है। सब राम है। सब राम है। श्री राम है। श्री राम है। हर जगह राम है। कड़कड़ में राम है। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जय श्री राम। यहाँ श्री राम है, अयोध्या धाम है, प्रभु राम है। इस वक्त देश दुनिया जहाँ भी इस वक्त अगर हम चर्चा करेंगे तो प्रभु श्री राम है, और राम नाम की धूम है, राम नाम की टैटू बनवा रहे, क्रेज है, सब कुछ नजर आ रहा है। और ऐसे ही कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और ये तस्वीर है इंदौर के एक टैटू की दुकान से हमने ये दिखाई है, सिर्फ एक दुकान से। इंदौर के तमाम जो टैटू सेंटर है वहां पर यही क्रेज नजर आ रहा है, यही उत्साह नजर आ रहा है, और इस वक्त युवा भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ, विक्रेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।